यार सुमित, नया ट्रुप आया है अप्रेंटिस वार्डन, उसका कुछ बता भाई, उसको कैसे यूज कर रहा है, क्योंकि यार उतना ज्यादा यूज दिख ही नहीं रहा है। आज भाई साहब मैं आप लोगों को बताऊंगा मैं कैसे यूज करता हूँ अप्रेंटिस वार्डन को अपनी आर्मी के अंदर, और काफी पावरफुल तरीके से। मेरे को बहुत फायदा देता है, 20 हाउसिंग स्पेस लेता है, लेकिन मेरे को फायदा इतना देता है कि भाई आर्मी मरती नहीं है, आर्मी जिंदा बच जाती है मेरी। अप्रेंटिस वार्डन को यूज करने से पहले अप्रेंटिस वार्डन के बारे में एक चीज जानना भाई बहुत जरूरी है, वरना यार आप लोग फालतू में 20 हाउसिंग स्पेस वेस्ट कर दोगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या हुआ, क्यों यूज किया मैंने इसको, कुछ हुआ ही नहीं आप लोगों को ऐसा लगेगा। लेकिन ये चीज जानना बहुत जरूरी है, अप्रेंटिस वार्डन को जब आप लोग ग्रैंड वार्डन के साथ यूज करते हो तो उस टाइम पे भाई साहब अप्रेंटिस वार्डन के ओरा के अंदर और ग्रैंड वार्डन के ओरा के अंदर जो भी ट्रुप्स रहेंगे तो उसमें भाई साहब 1900 से ज्यादा जिनका हिट पॉइंट रहेगा उनको सिर्फ अप्रेंटिस वार्डन का जो 30% हेल्थ बफ करता है ना वो काम करेगा। लेकिन जो 1900 हिट पॉइंट से नीचे वाले ट्रुप्स है, फॉर एग्जाम्पल आपका हॉग राइडर हो गया, आपका माइनर हो गया, उनको अप्रेंटिस वार्डन का 30% काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा पता है? क्योंकि यार ऑलरेडी ग्रैंड वार्डन जो है आपका, ग्रैंड वार्डन मैक्सिमम हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है 500-550 जो भी लेवल का आपका ग्रैंड वार्डन है। तो जो अप्रेंटिस वार्डन का 30% है वो 30% ग्रैंड वार्डन जो मैक्सिमम हेल्थ बफ करता है उससे कम है वो 30%। इसीलिए वार्डन के साथ 1900 से नीचे के जो ट्रुप्स है हिट पॉइंट वाले उनके ऊपर अप्रेंटिस वार्डन काम नहीं करेगा ग्रैंड वार्डन के साथ, सिर्फ 1900 के ऊपर जो ट्रुप्स है जिनका हिट पॉइंट उनके ऊपर काम करेगा। नहीं समझ आया? चलो गेम के अंदर चल के बताता हूँ, पहले समझना जरूरी है उसके बाद करके दिखाऊंगा भाई। तो भाई साहब अभी हम लोग सिर्फ मैक्स लेवल के स्टैट्स की बातें करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएंगे हम लोग ग्रैंड वार्डन के ऊपर, आओ ये हमारा मैक्स लेवल का ग्रैंड वार्डन है। ये देखो क्या करता है, मैक्सिमम हिट पॉइंट इंक्रीज कितना कर रहा है, 575। तो इसके ओरा के अंदर जो भी ट्रुप्स रहेंगे उनका हिट पॉइंट मैक्सिमम 575 करेगा, चाहे वो गोलम हो, चाहे वो आपका ड्रैगन हो, चाहे बार्बेरियन किंग हो, कुछ भी हो, उनका मैक्सिमम हिट पॉइंट इंक्रीज 575 करेगा। लेकिन अगर वहीं पे आप लोग ग्रैंड वार्डन के ओरा के अंदर अप्रेंटिस वार्डन को भी यूज करते हो, अप्रेंटिस वार्डन तो सिर्फ 30% करता है, वो परसेंट में डील करता है, ये डायरेक्ट नंबर में डील करता है, ये है अप्रेंटिस वार्डन, इसके ओरा में 30% करता है। अब यार हमको कैसे पता चलेगा कि वार्डन का ओरा यूज हो रहा है ट्रुप के ऊपर या फिर अप्रेंटिस वार्डन का ओरा यूज हो रहा है ट्रुप के ऊपर? जो ओरा ट्रुप्स को ज्यादा फायदा देगा ट्रुप उसी का ओरा यूज कर लेगा खुद के लिए। अभी समझो अगर हम लोग हाइब्रिड यूज कर रहे हैं, हाइब्रिड के अंदर हम लोग अप्रेंटिस वार्डन को भी यूज कर रहे हैं और ग्रैंड वार्डन को भी यूज कर रहे हैं, तो माइनर्स और हॉग राइडर्स के ऊपर किसका ओरा एप्लीकेबल होगा पता है? ग्रैंड वार्डन का होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर में डील कर रहा है। मैक्सिमम कितना डील करेगा? मैक्सिमम हिट पॉइंट इंक्रीज कर देगा 575। लेकिन वहीं पे इसको देखो, ये 30% करेगा। अभी हॉग राइडर का हिट पॉइंट देखो कितना है, 1230 का 30% कितना हुआ, 369 थोड़ी ना ये यूज करेगा, उससे अच्छा यहाँ पे इसको मिल रहा है ग्रैंड वार्डन के ओरा के अंदर 575, तो वो 575 वार्डन का यूज करेगा। ट्रुप्स के लिए जिसका ओरा बेटर काम करेगा वो उसका ओरा यूज करेंगे ट्रुप्स। तो बात ऐसी है कि 1900 हिट पॉइंट से नीचे जितने भी हिट पॉइंट के ट्रुप्स है वो सब लोग ग्रैंड वार्डन का ओरा यूज करेंगे, और 1900 के ऊपर जितने भी ट्रुप्स है आपका इलेक्ट्रो टाइटन, गोलम, पेक्का, ये सब के ऊपर अप्रेंटिस वार्डन का ओरा यूज होएगा। समझे अभी आप लोग? लेकिन भाई साहब आज हम लोग उसके बावजूद अप्रेंटिस वार्डन को यूज करने वाले माइनर्स के ऊपर, हॉक्स के ऊपर, ग्रैंड वार्डन के ऊपर, आरसी के ऊपर, जब भी मैं यूज करता हूँ एक अप्रेंटिस वार्डन मेरी आर्मी पूरी जिंदा रहती है, लेकिन जब मैं यूज नहीं करता हूँ आर्मी पता नहीं गायब सी हो जाती है। अप्रेंटिस वार्डन आपके ग्रैंड वार्डन का भी हेल्थ बफ कर देगा, आपके आरसी का भी हेल्थ बफ कर देगा, जो डिगी है उसका हेल्थ भी बफ कर देगा, वार्डन के ऊपर कोई पेट है तो उसका हिट पॉइंट भी बफ कर देगा, और वो भी डायरेक्ट 30% इंक्रीज कर देगा। तो यार हमारी आरसी, डिगी, पेट्स वगैरह इन लोगों को जिंदा रखने के लिए 30% बहुत ज्यादा होता है भाई साहब। तो चलते भाई अटैक के लिए। तो भाई हमारी मैच लगी यहाँ पे HS गेमिंग के साथ, हमारी साइड से पहला अटैक मन्ना कर रहा है। लेट्स सी गाइस, मन्ना का अटैक देखते हैं। ओके गाइस, तो मन्ना यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था यार पिछले वीडियो के अंदर, मैंने आप लोगों को क्या बोला था यार, ये है ना, इसको मैंने बोला है कि भाई एक आर्मी के ऊपर स्टिक रहे, मतलब एक स्टैंडर्ड हाइब्रिड बना है ना, सिग्नेचर आर्मी बना दे रही और उसी के ऊपर काम कर, जैसे तू टाउन हॉल 14 पे किया करता था, हिट रेट वापस आ जाएगा। बताओ वापस देखो आर्मी में चेंजेस कर रहा है, वापस सुपर हॉग राइडर ले लिया भाई आर्मी के अंदर, और क्वीन चार्ज कहाँ कर रहा है भाई, ईगल में भी नहीं कर रहा, टाउन हॉल में भी नहीं कर रहा, एक अलग ही कंपार्टमेंट में कर रहा है। अबे यार क्या कर रहा है मन्ना, फालतू में क्वीन की एबिलिटी गवा दी, बताओ ऐसा कौन करता है भला, कुछ भी बोलो पर मन्ना का क्वीन चार्ज स्ट्रांग है, बस मन्ना को यार उसका हाइब्रिड स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्विंचेस काफी तगड़ा है मन्ना का, लेकिन उसके बावजूद अभी यार देखो
ये हो गया भाई मन्ना के साथ सीन। ये देखो मन्ना ने यहाँ पे कोई भी अप्रेंटिस वार्डन यूज नहीं करा है, आर्मी डाल दी, बुड्ढे को भी डाल दिया, आरसी को भी डाल दिया, और वो भी डायरेक्ट टाउन हॉल के ऊपर डाला है। यार क्या कर रहा है भाई, अबे टाउन हॉल के ऊपर से कर रहा है, बताओ यार ऐसा कौन करता है। अरे बाप रे गाइस, टाउन हॉल तो फोड़ दिया इसने, हील भी बिल्कुल सही डाली है, क्वीन मर गई गाइस इसकी। गलत सीन है यार ये, स्टार्टिंग में हेड हंटर डाला नहीं शायद उसने, क्वीन की एबिलिटी यार फालतू में इसने वेस्ट करवा दी। क्वीन जिंदा रहती यार यहाँ पे तो सही रहता। भाई ये क्या हो रहा है, सीसी के अंदर इसने नॉर्मल हॉग लिए थे और खुद के लिए थे भाई साहब 7 सुपर हॉग राइडर्स। भाई मन्ना ये ऐसा हाइब्रिड नहीं करते भैया जी, यार ये गलत कर दिया भाई इसने, क्वीन के साथ कुछ वैल्यू नहीं मिली और गलत जगह से इसने हाइब्रिड चालू कराए, ये सबसे बड़ी गलती, हाइब्रिड गलत जगह से और क्वीन चार्ज भी गलत जगह से। ठीक है भाई 70% कर लिया बंदा, हो सकता था ट्रिपल अगर अच्छी अप्रोच रखता तो, चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अभी मैं करूंगा गाइस, अंदर ओके भाई साहब एजाज भाई लाइव है हमारी साइड से। और एजाज भाई तो देखो गाइस, पिछले मैच के अंदर जो मैंने, एजाज भाई ने और आदित्य, हम तीन लोगों ने एक आर्मी से अटैक करा था, एजाज भाई उसी के साथ हाइड्रा आर्मी के साथ अटैक कर रहे हैं, बड़ी पावरफुल आर्मी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर, काफी ईजी है, एफर्टलेसली 3-स्टार हो जाता है, बस जरूरी एक ही है प्रॉपर फनल बनाओ, फनल में कंजूसी मत करो, ज्यादा ट्रूप्स लग रहे लगा दो, फनल एक बार प्रॉपर बन गया आपका अटैक ट्रिपल है, श्योर शॉट। ठीक है
फनल अगर नकली बना दिया, इधर उधर ट्रुप भाग गए तो भाई फिर तो फेल होएगा। फनल में कंजूसी नहीं करने की गाइस, ठीक है। भले ही आपको देखो एजाज भाई ने यहाँ पे कितना लगाया भाई, 4 रॉकेट बलून लगाए क्या, 4 लगाए, 5 लगाया, 48, मतलब 40 हाउसिंग स्पेस फनल के लिए लगाए एक एयर डिफेंस तोड़ने के लिए। बताओ फनल में कंजूसी नहीं करने की इस आर्मी के अंदर, यही एक फंडा है भाई इस आर्मी का। ये देखो गाइस ब्लिंप डाल दी वार्डन के साथ, ठीक है। बलून यूज करे होंगे पक्का, मेरी तरह यटी यूज नहीं करेंगे कभी भी। लो गाइस बलून्स को यूज करा है, और यार वैल्यू मिलेगी क्या, मिल गई यार, काफी अच्छी वैल्यू मिल गई इनको तो, सही है। नीचे की साइड पे फनल नहीं बनाया क्या इनने, किंग और क्वीन को डालना भूल गए भाई साहब, यार डाले नहीं, होल्ड करे। लेकिन उसके बावजूद देखो आर्मी भाई मरती क्यों नहीं है भाई, आर्मी मरती नहीं है ये, देखो जिंदा है भाई अभी भी, काफी सारे ड्रैगन जिंदा बच चुके भाई यहाँ पे। गलत अभी उतारा है जाके हीरोज को भाई, ये बहुत गलत लेवल की आर्मी यार। मेरे को मतलब लग रहा है कि हाँ मैं यूज करता हूँ तो ठीक है, लेकिन जब सामने वाला यूज करता है तो भाई जलन होती है, कि लगता है कि भाई इतना तगड़ा बेस है हमारा ऐसे ही भाई एफर्टलेसली मार के जा रहा है 3 स्टार, बुरा लगता है फिर। मतलब जब अपने साथ हो तो अच्छा लगता है, जब सामने वाले के साथ हो तो बुरा लगता है भाई, क्या करें ऐसा ही है भाई। ब्लू टिक का भी देख लो भाई, मेरा ब्लू टिक आया मेहनत करके 2021 में, तब लगा अच्छा चलो अच्छी बात है, लेकिन मेरा पड़ोसी ने अभी 700 रुपए में ले लिया तो मेरे को बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है बुरा, बट लग रहा है भाई। तुम लोग नहीं समझोगे ये यार, तुमको लगेगा नॉर्मल लगेगा तुम लोगों को ये चीज, बट मेरे को लग रहा है बुरा, झूठ नहीं बोलूंगा भाई, जलन भी हो रही है पता नहीं क्यों, आपसे क्या ही झूठ बोलूँ अब। ट्रिपल है गाइस, दोनों हीरोज की एबिलिटी है, 2 फ्रीज है, ये अपना हेड एंटर बच चुका है, खत्म हो जाएगा। डिगी है ना, है अप्रेंटिस वार्डन। देखे गाइस ऐसा नहीं कि यार अप्रेंटिस वार्डन का यूज ही नहीं हुआ, जब मैं अप्रेंटिस वार्डन को यूज नहीं कर रहा था हाइब्रिड के अंदर, मेरी आर्मी मर जा रही थी, हीरोज भी मर जा रहे थे, लेकिन जैसे मैंने सिर्फ एक अप्रेंटिस वार्डन को यूज करना चालू किया, एक तो वो मरता नहीं है, बहुत दूर रह के मारता है, और वो कोशिश ये करता है कि उसका AI सुपरसेल ने ऐसा बनाया कि यार वो मैक्सिमम चीजों को अपने ऑरा के अंदर रखने की कोशिश करेगा, है ना। तो लास्ट में देखा हिलर भी थी, वार्डन था, क्वीन थी, आरसी थी, सब कुछ अप्रेंटिस वार्डन के रेंज में। ये क्या हो गया, 99% गलत हो गया भाई, क्या कर रहे हो यार, 99% गजब सीन है भाई, 1-2 सेकंड और चाहिए थे। ओके भाई साहब, हमारी साइड से ड्रैगो आ चुका है गाइस अटैक के लिए, और ड्रैगो कर रहा है यहाँ पे भाई, ये तो वही कर रहा है जो पिछले मैच के अंदर इनने किया था, 10 सुपर बार्बेरियन लावलून। अरे ये क्या कर रहा है, सुपर बार्बेरियन लावलून, अच्छा यटी ब्लिंप करा है स्टार्टिंग में तो इसने, नाइस। क्वीन को ऊपर, भाई साहब क्या ही कॉन्फिडेंस है भाई, मेरे को लगा क्वीन को डालेगा सिंपली डायरेक्ट टाउन हॉल के लिए, फ्रीज व्रीज लगा के टाउन हॉल खत्म कर देगा फिर खाएगा बेस को, बट आई वॉज रॉन्ग, क्वीन को ऊपर डाल दिया भाई ड्रैगो ने डायरेक्ट, सही है भाई। यार ड्रैगो का एक सीन है यार, ड्रैगो ना रिस्की अटैक करता है, मतलब डर लगता है भाई। देखो जब मैच जीतना है और 2 स्टार से काम नहीं बन रहा उस टाइम पे लो ना रिस्क, है ना, 1 स्टार तो 1 स्टार, 0 स्टार तो 0 स्टार, हुआ तो 3 स्टार, वरना 0 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार कुछ भी हो सकता है। लेकिन यार जब मैच नॉर्मल चल रही है उस टाइम पे भी रिस्क लेना यार काफ़ी रिस्की हो जाता है। देखो ना यार टाउन हॉल को तो क्या ही इग्नोर मार दिया भाई, वैसे अच्छी बात ये है पर बेस को अच्छा पड़ा इसने, टाउन हॉल के साइड पे बिल्कुल भी स्प्लैश डैमेज, मल्टी डैमेज, मल्टी इन्फर्नो वगैरह किसी चीज़ का ज़्यादा डैमेज है नहीं, इजीली लालों के साथ पूरा एरिया कवर हो जाएगा। 3 स्टार का प्लान है बंदे का, काफ़ी सही है, वेरी नाइस, और काफ़ी सही जा रहा है। क्वीन विन ने काफ़ी अच्छा काम करा है भाई पीछे की साइड पे, लालो चालू कर दिया है ड्रैगो ने, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ साफ कर ही लिया है, अभी लगातार फ्रीज लगाएगा, काफ़ी सारे बलून से, वार्डन भी, वार्डन के ऊपर गलत पेट यूज़ कर लिया यार, वो यूज़ करना चाहिए था, क्या नाम है उसका, उल्लू, उल्लू को यूज़ करना चाहिए था। अरे भाई टोर्नेडो फ्रीज कर भाई, बलून्स टाउन हॉल पे जाओ, अबे बलून्स किसको मार रहे हो, अबे नहीं 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 यार भाई, ये क्या कर दिया इसने, ड्रैगो मेरा भाई ये क्या कर दिया भाई, भाई ये
समझ ही नहीं आया भाई ये क्या वन स्टार। जब भाई मैच हार रहे होते हैं ना तब ड्रैगन ट्रिपल मारता है, और जब मैच जीत रहे होते सिर्फ टू स्टार चाहिए होता तब वन स्टार करता है भाई। भाई यार ये वन स्टार भारी ना पड़ जाए यार हमको। ड्रैगन का था कि भाई डायरेक्ट थ्री आया तो वन वरना थ्री। ये मुश्किल है गाइज, ये सिचुएशन मुश्किल है, ट्रेडिंग वाली सिचुएशन हो गई गाइज, अपनी सिचुएशन है इन्वेस्टमेंट वाली सिचुएशन। भाई साहब काफी गलत सीन हो गया गाइज, 4-8 एनिमी के 3-7 एनिमी लीड में चल रही है। ड्रैगो का वन स्टार आ गया, एजाज भाई का आ गया गाइज 99% टाइम फेल, आखिरी अटैकर आ चुका है भाई साहब। गाइज मतलब जीता हुआ मैच हरवा दिया भाई, गलत सीन यार। एजाज भाई का ट्रिपल आता ना गाइज टेंशन ही नहीं था, उनको शायद 1-2 सेकेंड एक्स्ट्रा मिलने चाहिए थे एजाज भाई को, ट्रिपल आ जाता, टाइम फेल हो गया यार। या उससे बेटर ड्रैगो 2 स्टार कर लेता यार, सही रहता भाई। अब क्या करोगे, देखो ये आदित्य वही कर रहा है ठीक है, हमेशा वो आर्मी यूज करना भी सही नहीं रहता। मैंने भी यार एक बार यूज करा फिर ठीक है यार, बार बार यूज करना भी सही नहीं है, क्योंकि यार लोगों को लगता है कि भाई ये बंदा वही करता है फिर बेट करना चालू कर देते हैं। और वैसे भी अभी मेरे पास कोई सिग्नेचर आर्मी मेरी खुद की है नहीं, पहले तो सुपर आर्चर ब्लिम्प थी लावालून वाली, अभी तो कुछ है ही नहीं यार, अब कुछ है ही नहीं है मेरे लिए, तो सारी आर्मीज भैंस बराबर हो गई है अभी। आप लोग ही यार अभी मेरे को कमेंट करके बताओ गाइस, आपके हिसाब से मेरे को कौन सी आर्मी सिग्नेचर आर्मी बनानी चाहिए, क्योंकि यार अभी मेरे पास कोई आर्मी एक स्पेसिफिक है ही नहीं जो मैं कर सकता हूँ। एजाज भाई के पास है, ड्रैगो के पास है, मन्ना के पास तो है ही है, मैं ही फंस गया हूँ गाइस, गलत फंस गया मैं। कोई आर्मी मतलब नहीं है ऐसी कि यार मैं यूज़ करूँ उसको सिग्नेचर आर्मी बनाऊँ। एक थी जिसको 8 महीने तक रगड़ा, सुपर सेल आई एक अपडेट लेके कूड़ेदान में डाल दिया भाई पूरी आर्मी को, गलत सीन कर दिया। अब बताओ यार कमेंट करके बताओ भाई कि क्या लगता है आपको मेरे को कौन सी आर्मी मास्टर करनी चाहिए। अभी सुपर आर्चर थी मास्टर, वो बर्बाद हो गई, अब क्या बोलूँ भाई, बुरा लग रहा है, अब कोई नई आर्मी सीखनी पड़ेगी भाई 15 पे। पहले मैच पे तो हम लोगों ने हाइड्रा मारा ट्रिपल, ये दूसरा मैच है मेरा ई स्पोर्ट्स का आफ्टर अपडेट, यहाँ पे हाइब्रिड मारा वो भी ट्रिपल। पर यार एक कोई स्पेसिफिक आर्मी चाहिए ना जो हाथ में सेट हो जाए, जैसे सुपर आर्चर ब्लिम्प थी वैसी आर्मी चाहिए, सिग्नेचर आर्मी। पता नहीं आप लोग, देखता हूँ पढ़ता हूँ आपके कॉमेंट्स, अगर कोई ढंग की आर्मी लगी तो करते उसी आर्मी के पे काम करेंगे भाई, फिर उसी आर्मी को लेके प्रैक्टिस करेंगे, उसी आर्मी से अटैक करेंगे, क्या बोलते हो, है ना। क्योंकि बाकी सारे आर्मीज तो चलो ठीक है कभी कभी ओकेजनली कर लेता हूँ, पर सिग्नेचर आर्मी होना जरूरी है। आदित्य ने गाइस ये फेल कर दिया भाई, आदित्य को ढंग की वैल्यू नहीं मिली, आई थिंक बलून्स यूज़ कर रहे इसने, बोला था इसको यटीज यूज़ कर ले भाई। एनिमी की साइड से भाई 10 हो चुके, ले भाई 11वां स्टार और हार गए मैच। तो भाई बस आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा अप्रेंटिस वार्डन आपको मेन आर्मी के अंदर, मास आर्मी के अंदर कितनी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो बस मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। We're gonna